Hello friends, this video on sentence part 1 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Topics to be covered in this lesson are introduction to sentence, kinds of sentences wherein we will discuss declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences, recognize sentences. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. तो अभी हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, स्क्रीन पे एक टेबल है. बट अगर हमें इस टेबल को लेके कुछ भी बात बतानी है, जैसे कि इस टेबल, ये टेबल लकड़ी का बना हुआ है, या फिर इस टेबल के ऊपर एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, या फिर इस टेबल के नीचे एक बिल्ली छुपी हुई है, तो इस टेबल को लेकर के अगर हमें कुछ भी बात बतानी है, उसके लिए सिर्फ एक शब्द टेबल काफ़ी नहीं है. उसके लिए हमें और शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा और वो सारे शब्द मिल करके वो जो मैसेज है वो कन्वे करेगा. तो कुछ भी बताने के लिए, हमें कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत होती है. तो जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई सारे वर्ड्स होंगे. अब कई सारे वर्ड्स, दो वर्ड्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, पंद्रह हो सकते हैं. काफ़ी सारे वर्ड्स साथ में आएंगे और वो वर्ड्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होंगे कि वे सभी मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, मतलब एक कंप्लीट मतलब निकलना चाहिए उन वर्ड्स का, तो हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे सेंटेंस. जैसे कि अभी आप पिक्चर पे क्या देख रहे हैं कि दो एप्पल टेबल के ऊपर रखे हुए हैं. अब अगर मैं आपको ये बताऊं, टू एप्पल्स टेबल, ये तीन शब्द यहां पे भी क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तीन शब्दों का कलेक्शन है, लेकिन क्या ये तीन शब्दों से ये मीनिंग कन्वे हो रहा है कि दो एप्पल्स टेबल के ऊपर है? नहीं हो रहा है, राइट. जैसे अगर आप आंख बंद कर लें, ठीक है, और अगर आप सोचें कि टू एप्पल्स टेबल, उससे आपका क्या मतलब निकलता है? आपको नहीं पता क्या मतलब है एप्पल्स, दो एप्पल्स का टेबल के साथ क्या कनेक्शन है, यू डोंट नो, इससे कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है, राइट. लेकिन अगर ऐसा है, लेकिन अगर इसी चीज को हम इस तरह से लिखें कि टू एप्पल्स आर लाइंग ऑन द टेबल, तो इसका क्या मतलब होगा? अब अगर मैं आपको ये पिक्चर ना भी दिखाऊं तभी भी आपको एक पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी कितने सारे वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, टोटल सात वर्ड्स हैं, बट अब ये सातों वर्ड्स मिलके एक सेंस बन रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग बता रहा है. तो ये हमारा क्या है, ये एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस को पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि दो एप्पल्स जो हैं वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन इस केस में ये है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे कि तो यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं. यहां पे हम क्या देखते हैं स्क्रीन पे, दो बच्चे हैं जो कुछ चेस खेल रहे हैं, राइट. तो अब इस बात को अगर मुझे इंग्लिश में कन्वे करना हो तो हम कैसे बताएंगे उसको, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं वो चेस खेल रहे हैं. तो अब अगर मैं ये वर्ड्स लिख दूँ, चेस प्ले किड्स, क्या इसका कुछ मीनिंग है, क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस है, क्या ये वो बता रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं? नहीं, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है कि भाई चेस बच्चों को खेल रहा है, बच्चे चेस को खेल रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं. लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें कि किड्स प्ले चेस, बच्चे चेस खेलते हैं, या फिर अगर हमें लिखना है कि बच्चे अभी खेल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि किड्स आर प्लेइंग चेस, राइट. तो ये दोनों ही जो है सेंटेंसेस हैं, बिकॉज इन दोनों ही केसेस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, तो दोनों ही सेंटेंस है. बस इनके टेंस में फर्क है, इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि बच्चे अभी खेल रहे हैं, और पहले वाले केस में ये सिंपल प्रेजेंट में है क्योंकि बच्चे चेस खेलते हैं. अब कब खेल रहे हैं, कब कब तक खेलेंगे, वो सब पता नहीं. द
पेट तो जब कभी भी हमारे पास बहुत सारे शब्द हो और वो सारे वर्ड्स को मिला के एक मीनिंग निकलता है तो उसको हम बोलते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं सेंटेंस। तो एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस केस में हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया हुआ है जिसमें लिखा है हिम आस्क्ड आई स्कूल इफ गोइंग इज ही टू। क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आया? क्या इसका कोई मीनिंग है? कंप्लीट सेंस की बात छोड़ दीजिए, इसमें तो पार्शियल सेंस भी नहीं है, बस ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इनका कुछ हाथ पांव नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम लिखें कि आई आस्क्ड हिम इफ ही इज गोइंग टू स्कूल, तो जैसे ही हम वो लिखेंगे तो इसका एक मीनिंग बन जाएगा, राइट? तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस के लिए सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना काफी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स साथ में एक मीनिंग कन्वे करना चाहिए। और जब कभी भी हम कंप्लीट सेंस की बात करते हैं, हमारा ये मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि जो मीनिंग है वो आधा अधूरा सा है। जैसे अगर मैंने कुछ ऐसा एक ऐसा सेंटेंस लिख दिया, वॉट इज, अब वॉट इज जो है इसका क्या मतलब है? वॉट इज एक तरह से इसका ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डिसऑर्डर्ड है, ये एक सेंटेंस है बट ये एक आधा ही सेंटेंस है, मतलब ये एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि इससे पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। लेकिन यही अगर हम लिखे व्हाट इज योर नेम तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उनका मीनिंग हो और उनका कंप्लीट मीनिंग हो, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। तो अब हम देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा वाला सेंटेंस है और कौन सा वाला नहीं है। तो पहला सेंटेंस है ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है, तो ऑब्वियसली इसका मीनिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग है, तो दिस इज अ सेंटेंस। नॉर्मली हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं लिखना और सेंटेंस खत्म होने के बाद हम एक फुल स्टॉप डालते हैं। आई थिंक दैट, क्या मैं सोचती हूं कि क्या, राइट? सो द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। बेसिकली दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये मतलब आधा मीनिंग है इसका, कि मैं सोचती हूं कि, सो आई नीड टू टेल कि मैं क्या सोचती हूं, वो हमने बताया ही नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इसका क्या मतलब है? टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर जो है ये एक मीनिंग है, ऑन द टेबल का एक सेंस बन रहा है बट कंप्लीट सेंस बन रहा है क्या? नहीं, इसका इनकम्प्लीट सेंस है, टेबल के ऊपर, लेकिन क्या है टेबल के ऊपर? कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं है। यही अगर हम लिखे कि फ्रूट्स आर लाइंग ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है, राइट? तो ऑन द टेबल जो है वो सेंटेंस नहीं है क्योंकि उसमें कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, ऑफ कोर्स इसका पूरा मीनिंग है, ये सेंटेंस है। आई बिलीव इन हर थॉट्स, मैं उसकी सोच पे बिलीव करता हूं, ये भी सेंटेंस है। वॉट इज, ये आधा अधूरा मीनिंग है तो ये सेंटेंस नहीं है। वेयर डू यू स्टे, तुम कहां रहते हो, इसका मीनिंग है, सो दिस इज अ सेंटेंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑफकोर्स इसका एक मीनिंग है और ये सेंटेंस है। आई लव टू प्ले, मुझे खेलना बहुत पसंद है, तो इसका भी मीनिंग है तो ये सेंटेंस भी है। थैंक यू। प्लीज विजिट examfear.com फॉर फ्री क्वालिटी एजुकेशन। यू कैन लर्न विद अ सिंपल 4-step लर्निंग प्रोसेस वेर इन यू कैन वॉच वीडियो लेसन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन रेफर नोट्स एंड यू कैन टेक अ फ्री ऑनलाइन टेस्ट। वी हैव कॉन्टेंट फॉर क्लास 6 to 12 ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल वीडियोज। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।